दुर्ग जिले में ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। पुलिस विभाग के इस अभियान के तहत गुमशुदा बच्चों की तलाश कर उनके अभिभावकों को सौंपा जाता है। दुर्ग के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि जिले में गुमशुदा बच्चों के प्रकरणों के लिए मानव तस्करी सेल गठित कर लंबित प्रकरणों की पुनः समीक्षा की गई। गठित टीम और संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा गुमशुदा के परिजनों तथा ग्रामीणों से संपर्क कर पूछताछ किया गया। प्राप्त सूचना के आधार पर अलग अलग राज्यों में भी पुलिस टीम भेजी गई और 66 बच्चों को सकुशल उनके परिजनों को सौंपा गया है। एक महीना जो था वो पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक मुस्कान नाम से अभियान चलाने को लेकर निर्देश मिले थे और साल भर में 2 बार चलता है, एक बार जनवरी के आसपास चलता है और एक बार सेकेंड हाफ में इधर त्योहारों के पहले, जो नाबालिग और बाकी घर गुमशुदा लोग रहते हैं उनके संबंधित। तो मुस्कान अभियान के तहत अभी एक महीने का पूरा अभियान चलाया गया है, जिसमें दुर्ग पुलिस ने पूरे माह भर सभी थानों ने मिलकर टोटल 66 जो गुमशुदगी थी, जिसमें खासकर जो 363 के मैटर हैं, जो 18 से कम आयु के बच्चे और बच्चियां थी, उनके बारे में पूरी संवेदनशीलता से तलाश किया उनको और 66 ऐसे मतलब बच्चों को बच्चियों को रिकवर करके उनकी फैमिली के सपोर्ट किया गया। इस तरह पुलिस की इस पहल ने कई परिवारों के चेहरे की मुस्कान वापस ला दी है।